Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे जीएसटी के पार्ट थ्री में। जीएसटी की दो पार्ट की बात हमने कर ली है और अभी हम एमसीक्यूज की बात करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, 33 क्वेश्चन हमारे पास हैं। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम लेकर आपके लिए आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो अभी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा भी गया। सिंपल क्वेश्चन है, वॉट इज जीएसटी। आपको हमारे स्क्रीन पे ये सब दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर आपको फिगर आउट करता जाऊंगा कौन सा आंसर होना चाहिए। तो जीएसटी क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिखा है पहले वाले में, दूसरे वाले में लिखा है गुड लिखा है, और सर्विसेज टैक्स तो है लेकिन गुड लिखा है, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये, ठीक है बेटा, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरे लिखा है गुड्स एंड सर्विस टोटल, तो ये कुछ है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर वन। तो अगर आपने सेकंड पार्ट देखा होगा तो आपको ये क्लियर होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजीएसटी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होना चाहिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी आंसर क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर सही है। और हम आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज एसजीएसटी। तो एसजीएसटी का मतलब भी क्लियर होगा, स्टेट वाले गवर्नमेंट बता रही है, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर है, ठीक है, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, व्हाट इज आईजीएसटी, केवल फुल फॉर्म की बात हो रही है और ये भी आपको मालूम होगा इंटीग्रेटेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन, ठीक है। ये क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे जो हमने किए, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हमारा टफ होता जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट वन टू इंप्लीमेंट जीएसटी, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि पहला देश कौन सा था जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था, आंसर क्या होगा, फ्रांस। जो लोग इस वीडियो को हिंदी में देख रहे हैं मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, चीजों को समझें, आंसर आपको मालूम चल जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, फ्रांस, इसे लॉक करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे सामने है, देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफ इंडिया टू रेक्टिफाई जीएसटी बिल, हम ये पढ़ चुके हैं, ये किसकी बात हो रही, याद करो फर्स्ट स्टेट कौन सा था, तो फर्स्ट स्टेट था असम, बिल्कुल सही आंसर है, लॉक करते हैं। तो असम को हम लॉक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेवन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन क्या होने वाला है, चलिए, इन विच ईयर जीएसटी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, सबसे पहली बार जीएसटी के बारे में कब बात हुई थी हमारे देश में। तो याद करिए, मैंने आपको पार्ट वन में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की बात की थी, तो फर्स्ट टाइम हमारे देश में जीएसटी के बारे में जो बात हुई है वो 2000 में हुई है, ठीक है, 2000 जो हमारा ईयर था उसमें पहली बार जीएसटी की बात हुई है, तो उसे हम लॉक करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एट पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल इज लोकेटेड एट, जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कहाँ पर होना चाहिए, ऑफकोर्स न्यू दिल्ली में होना चाहिए, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर का जो ऑफिस है जिसे हम नॉर्थ ब्लॉक के नाम से जानते हैं वो भी कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो आंसर क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, प्रेजेंटली हाउ मेनी कंट्रीज हैव इंप्लीमेंटेड जीएसटी, मतलब कितनी कंट्री ने जीएसटी अभी तक इंप्लीमेंट कर ली है, तो नियर अबाउट 160 कंट्रीज ने जीएसटी को अपने देश के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की हम बात करने यहां पर जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव ड्यूअल जीएसटी मॉडल, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं हमारे सेकंड पार्ट के वीडियो में, या फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपको मिला होगा कि जीएसटी का जो ड्यूअल जीएसटी मॉडल है वो कितने देश में है। तो हमारा जो जीएसटी है वो कॉपीड कहां से, कनाडा से, तो कनाडा में भी ड्यूअल मॉडल है और इंडिया में भी ड्यूअल मॉडल है, मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टू, कि दो देशों में ड्यूअल मॉडल जीएसटी चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन कंप्लीट, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। Who is the head of GST Council? पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये। तो GST Council का head कौन होता है? तो कौन है अभी Finance Minister? तो Finance Minister कौन है हमारे? अरुण जेटली। इस पे लॉक कर देते हैं। अरुण जेटली को लॉक किया जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Question number 12 की बात करते हैं यहाँ पर। Question number 12, which article spell formation of GST Council? GST Council के formation के बारे में बात हो रही है, article, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपने देखा भी होगा, article 279A। आर्टिकल 279A लॉक कर लें। अगर आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सारे आंसर्स आ रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 हमारा क्या है देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी एबॉलिश्ड बाय द जीएसटी।
मतलब इनमें से कौन सा टैक्स जो है जो जीएसटी द्वारा एबॉलिश हो गया है। देखिए तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इनकम टैक्स, ये क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है ना। कॉरपोरेशन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है और वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। हालांकि वेल्थ टैक्स अभी एबॉलिश हो गया है लेकिन वेल्थ टैक्स एक एग्जांपल था डायरेक्ट टैक्स का। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी में नहीं आए हैं, कौन से हैं, केवल इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो सर्विस टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये एबॉलिश हो गया, ये मर्ज हो गया जीएसटी में, क्वेश्चन नंबर 13। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं और इनडायरेक्ट में कौन कौन से आते हैं। डायरेक्ट में इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट में आते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए, वॉट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब यहां पर आईजीएसटी की बात हो रही है और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आईजीएसटी का मतलब क्या होता है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई सामान बन रहा है और बिक रहा है कहाँ पे, हरियाणा में, यानी ये सेम स्टेट की बात नहीं हुई, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। तो कहीं पर इंटर स्टेट है क्या, देखो जरा, तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शन पढ़े तो हमें थर्ड ऑप्शन में इंटर स्टेट मालूम चल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंटर स्टेट ट्रेड। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इंट्रा का मतलब होता है विद इन स्टेट और इंटर का मतलब होता है दूसरे स्टेट में, है ना, यूपी में बन रहा है और दूसरे स्टेट हरियाणा में बिक रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, जीएसटी विल बी लेविड ऑन, जीएसटी किसके ऊपर लगता है, ये क्वेश्चन है। यहां पे मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर्स है, कंज्यूमर है, तो आपको पता है कि ये हर स्टेप पे लगता है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने मेरा सेकंड वीडियो का पार्ट थर्ड देखा होगा तो इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़े, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी, जीएसटी कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है या डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, तो बिल्कुल भी नहीं। हमको पता है कि जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, बिकॉज जीएसटी इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ, लगता किसी और के ऊपर है, देता कोई और है, तो जीएसटी भी लगता किसी और के ऊपर है, देता कस्टमर ही है फाइनली, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन टू पास द जीएसटी बिल, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसका आंसर क्या होगा, 101, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जीएसटी को पास करने के लिए, ठीक है। अगर यहां पर बिल पूछता कि कौन सा अमेंडमेंट बिल था तो 122nd हो जाता है ना, तो यहां पर 101 आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करें क्वेश्चन नंबर 18 पर, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये भी आपको पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड में, पार्ट सेकंड में या पार्ट वन में कराया गया होगा। तो जीएसटी काउंसिल के हमेशा हेड कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो ये हमारा आंसर सही है, फाइनेंस मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या होने वाला है, द कंट्री विथ हाइएस्ट जीएसटी रेट इन द वर्ल्ड इज, आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है कि सबसे ज्यादा जो रेट है जीएसटी का वो किस देश में है, इंडिया में है, तो आंसर क्या होगा, इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेट का जीएसटी चलता है 28%, ठीक है, ये हो गया जीएसटी 28%। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 20th क्वेश्चन पे, इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्टिव फ्रॉम July 1st, 2017। देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि हमारे इंडिया में जीएसटी कब से आया, तो 1 जुलाई 2017 से। और अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जीएसटी डे कब मनाते हैं, तो सीधा सा आंसर है क्या, 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। तो इंडिया हैज चूजन विच कंट्री मॉडल ऑफ ड्यूअल जीएसटी, तो ये मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि इंडिया ने कनाडा, तो कनाडा का मॉडल चूज किया है जीएसटी का, ये आपको पता है, आपने अगर पार्ट वन पार्ट टू देखा है तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, ठीक है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट, हम आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिए, अब यहां पर आगे क्वेश्चन, जीएसटी कम्स अंडर विच अमेंडमेंट बिल, जीएसटी के लिए कौन सा अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था, तो आपको पता है 122nd, मतलब 122वां, पढ़ चुके हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, हमारे देश में जीएसटी कितने टाइप के हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, यानी चार। तो हमारे देश में चार तरह के जीएसटी जो हैं वो हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। अगर कोई बच्चा सीधे ये एमसीक्यू वाला वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी के हमारे 3 पार्ट के वीडियो हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एग्जाम के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट बात की है जीएसटी की। सेकेंड पार्ट में हमने जीएसटी के कॉन्सेप्ट की बात की है, जीएसटी क्यों आया, क्या प्रॉब्लम्स थी और जीएसटी में कितने टाइप के जीएसटी हैं। तो अगर आप सीधे ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे बोलूंगा पहले आप वो दोनों वीडियो देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर एमसीक्यूज पे आप आए, ठीक है। विच कंट्री हैज द सेकंड हाईएस्ट जीएसटी रेट ऑफ 27%,
यानी किस देश में 27% तक का जीएसटी गया हुआ है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन मान लो दिख जाए तो आप आंसर देना अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जहां पर 27% का जीएसटी है आफ्टर इंडिया, ठीक है, इंडिया के बाद। तो 23rd क्वेश्चन हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं और 24 क्वेश्चन की बात यहां पर हम करने जा रहे हैं। अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, यहां पे नाम दिया है, हैज बीन लॉन्च्ड टू कैटर द नीड्स ऑफ जीएसटी। मतलब भारत सरकार के द्वारा एक स्पेशल बॉडी लॉन्च की गई है जो कि जीएसटी के नीड के हिसाब से अपने आप को मतलब डिसीजन लेती है। इसका नाम क्या है? तो यहां पे कई सारे ऑप्शन है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क लर्न कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म में बन सकता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने 25th क्वेश्चन पे। GST इज अ फिल इन द ब्लैंक्स है बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब GST कैसा टैक्स है? ओरिजिन है, डेस्टिनी है, डेवलपमेंट है या डेस्टिनेशन है? तो याद करिएगा जो GST है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन का मतलब क्या हुआ? फाइनल डेस्टिनेशन कौन होते हैं? कंज्यूमर होते हैं ना, तो डेस्टिनेशन मतलब कंज्यूमर लास्ट। तो GST भी क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो फाइनली जो हमारे कंज्यूमर हैं वो GST के फाइनली डेस्टिनेशन होते हैं, मतलब वही जाकर GST को पे करता है। तो आंसर क्या होगा? डेस्टिनेशन बेस्ड होगा, याद कर लेना डेस्टिनेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इंडिया GST मॉडल हैज हाउ मेनी बैंड्स ऑफ टैक्स रेट। मतलब इंडिया में कितने तरह के टैक्सेस स्लैब हैं या बैंड्स हैं? तो आपको मैंने पढ़ाया है 0%, 12%, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। यानी कितना हो गया? 5, 0 जो बच्चे अभी देख रहे हैं, 0, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सब कुछ आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो 26वां क्वेश्चन कंप्लीट, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 27 क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन, देखिए आपको इसका आंसर पता होगा। द हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर GST इज, हमारे इंडिया में GST में सबसे ज्यादा हाइएस्ट रेट क्या है टैक्स का? 28%, ऑप्शन नंबर डी। कुछ है ही नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपने सारे पार्ट देखे हैं तो GST में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ कि जो आप न कर पाए, ठीक है। तो 28%, आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन जो हमारे पीछे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कंबाइंड स्टेक ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन GSTN। अभी कुछ देर पहले हम लोग GSTN पे बात कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है ना, पढ़ाया था मैंने। तो इसमें बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है, कितना पैसा लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट का इसमें पैसा लगा हुआ है 49%। GSTN मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क में सरकार का पैसा लगा हुआ है 49% का। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सब याद कर लीजिए। 28 क्वेश्चन की बात हो गई, अब बात करते हैं 29th क्वेश्चन की, हमारा क्या है। चलिए, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम अनाउंस्ड दैट एवरी ईयर ऑन विच डे विल बी कंसिडर्ड एज GST डे। अभी हम लोग इस क्वेश्चन की बात की है कि GST डे किस दिन मनाया जाता है हमारे देश में, जिस दिन GST हमारे कंट्री में इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। आप सही सुन रहे हैं, 1 जुलाई। Who is the chairman of GST committee of state finance minister? यहां पर यह नहीं पूछा गया कि GST council का कौन chairperson है, यहां पूछा गया है who is chairman of GST committee of state finance minister। याद कर लीजिएगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अमित मित्रा। In India, the GST council has come out with a rate structure they are। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। GST council formation based on article number। GST का जो council जो बना है वो किस article में इसके बारे में बताया गया है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन, आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको ये हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। GSTN कम्स अंडर विच एक्ट, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो है वो किस एक्ट के अंडर में आता है? तो ये एक कंपनी है, एक कॉरपोरेट है, इसका आंसर क्या होगा? कंपनी एक्ट 2013। तो ये 33 क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको यहाँ पे कराए हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने के चांसेस रखते हैं। तो गाइस, आपको हमारा GST का पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो गाइस, भूलिएगा नहीं 7:30 पे हमारा करंट अफेयर शो आता है, जहां पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। गाइस, मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक पर।